नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अब गर्मियों के मौसम की शुरुआत होने वाली है और भारत के किसी किसी राज्य में तो इतनी गर्मी होती है कि लोगों का गर्मी से जीना बेहाल हो जाता है। तपतपाती हुई धूप से लोग परेशान हो जाते हैं। तो आइए, आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में अगर आप कहीं छुट्टियों पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ आप जा सकते हो। यानी कि हम उस जगह के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जहाँ का टेम्परेचर कभी भी 25 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। लेकिन इसे जानने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने हुए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर वीडियो का अपडेट मिलने लगे। तो आइए, अब आपको बताते हैं ऐसी जगहों के बारे में जो कि गर्मियों के मौसम में भी ठंड का एहसास दिलाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं तवांग शहर की। अरुणाचल प्रदेश का ये छोटा सा शहर अपने रंग बिरंगे घरों और खूबसूरत झरनों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ मन को शांति और तन को ठंडक देने के लिए काफी है। यहाँ का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाता। अब आपको बताते हैं हिमस के बारे में। जम्मू और कश्मीर पहाड़ों की सैर और खूबसूरती देखने के लिए लद्दाख सभी के बीच में एक मशहूर है। लेकिन कुछ अनजानी जगहों में से एक जम्मू और कश्मीर का यह छोटा सा कस्बा भी प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। यहाँ का तापमान बहुत ही सौम्य रहता है, बस 4 से 21 डिग्री के बीच ही रहता है। अब आपको बताते हैं लैंसडाउन उत्तराखंड के बारे में। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आपका शहर चारों तरफ से कई हिल स्टेशन से घिरा हुआ है। उत्तराखंड का लैंसडाउन शहर भी उन्हीं में से एक है। गर्मी में यहाँ का मौसम 15 से 25 डिग्री के बीच रहता है, जो आपको दिल्ली की गर्मी से थोड़ी राहत देगा। अब जानिए मुनस्यारी के बारे में, जो कि उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड के इस कस्बे को अब लोग जानने लगे हैं और यह देश के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में भी शुमार हो चुका है। यहाँ जाने का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 दिन के लिए जरूर जाएं। यहाँ भी मौसम 7 से 20 डिग्री के बीच ही रहता है। अब आपको बताते हैं त्रियुंड के बारे में। अगर आप धर्मशाला जाने का प्लान बना रहे हैं तो त्रियुंड जाना मिस ना करें, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ का कूल मौसम आपको गर्मी से राहत देगा। यहाँ का मौसम हमेशा 5 से 20 डिग्री के बीच में ही रहता है। अब जानिए त्रिथान वैली के बारे में, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है। इस जगह का मौसम और नेचुरल सौंदर्य आपको यहाँ बार बार आने के लिए मजबूर करेगा। गर्मियों में यहाँ का तापमान 20 से 25 डिग्री के बीच रहता है। अब आपको बताते हैं पेलिंग के बारे में, जो कि सिक्किम में है। देश के कई हिस्से आमतौर पर ज्यादा गर्म नहीं रहते और उसी में से एक नॉर्थ ईस्ट भी है। सिक्किम का पेलिंग बहुत ही मशहूर हिल स्टेशन में से एक है। यहाँ का मौसम 25 डिग्री के आसपास ही रहता है और यह जगह फैमिली के साथ साथ वेकेशंस पर जाने के लिए बहुत अच्छा है। अब आपको बताते हैं मोकोकचुंग नागालैंड के बारे में। नागालैंड का यह गांव आपको कई तरह के नए एक्सपीरियंस को देगा। कोहिमा से मात्र 6 घंटे की दूरी पर मौजूद इस जगह का अपना अलग ही आकर्षण है। यहाँ का मदमस्त मौसम आपको वापस जाने की इजाजत ही नहीं देगा। यहाँ का औसत तापमान 22 डिग्री ही रहता है। अब जानिए चेरापुंजी के बारे में। वैसे तो चेरापुंजी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है और यहाँ का मौसम भी 23 डिग्री से ज्यादा नहीं होता। यहाँ की हरियाली आंखों को सुकून देती है। अब आखिर में आपको बताते हैं हफलोंग के बारे में, जो कि असम में है। हफलोंग का मतलब होता है चींटियों का पहाड़। असम की हसीन वादियों में बसा यह छोटा सा गांव भी अपने सुहाने मौसम के लिए जाना जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपने अभी तक तो प्लान बना ही लिया होगा कि इस बार गर्मियों की छुट्टियों में आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।